हेलो, दिस इज मनोज कुमारी और आप देख रहे हैं मैथ्स फ्रेंड एंड आवर टुडेज टॉपिक इज एक्सरसाइज 7.1 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ये कुछ फिगर्स अपने पास गिवन है, इसमें कुछ शेडेड पोर्शन है कुछ अनशेडेड पोर्शन है, तो हमें फ्रैक्शन राइट करनी है। कैस किस पोर्शन की फ्रैक्शन राइट करनी है, शेडेड पोर्शन की, जितने पोर्शन शेडेड है। तो देखो इसमें फर्स्ट में हम फ्रैक्शन को राइट करते हैं एफ से, एफ मीन फ्रैक्शन। तो एफ इज इक्वल टू कितना होगा, देखो शेडेड पोर्शन कितने हैं, एक तो ये शेडेड है और एक ये शेडेड है, तो शेडेड पोर्शन कितने हो गए, टू अपॉन अपॉन टोटल कितने हो गए, टू ए और ये थ्री और ये कितना होगा, फोर। कैंसिल हो गए, कैंसिल कर देंगे, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो वन बाई टू हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखिए हम फ्रैक्शन राइट करेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सेकंड पार्ट कितने हैं, एट अपॉन में टोटल सेकंड एट थे, देखिए कितना होगा, नाइन। तो क्या आ गया, एट बाई नाइन हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में देखो शेडेड वॉल कितनी है, वन टू थ्री फोर, तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो कितनी आ जाएगी, फोर शेडेड है अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा, फोर ये और फोर ये टोटल एट हो जाएगा, तो फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, वन अपॉन में टू। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में क्या है, देखो ये फोर पार्ट है और इसमें से शेडेड कितना है, वन पोर्शन शेडेड है और अपॉन में टोटल कितने हो गए, वन टू थ्री फोर। जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो अपॉन में ध्यान रखना है, हमेशा टोटल लिखना है कि कितने पार्ट्स हो रहे हैं। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में देखिए जब हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, शेडेड पार्ट देखो वन टू थ्री, तो शेडेड पार्ट कितने हो गए, थ्री अपॉन में टोटल थ्री तो ही हो गए, फोर फाइव सिक्स, तो टोटल हो गए सिक्स, कट रहे हैं तो काट देंगे, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो वन बाई टू हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सिक्स पार्ट, अब सिक्स पार्ट में कुछ फ्लोर से बने हुए हैं, इसमें हमें जो शेडेड है उसकी फ्रैक्शन निकालनी है, तो शेडेड कितने हैं, देखो थ्री शेडेड है तो कितने आ जाएंगे, थ्री अपॉन में टोटल, तो देखो फोर फोर की रो बनी हुई है, तो फोर फोर फोर, फोर फिर से कितना हो जाएगा, ट्वेल्व, कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दें, थ्री वन जा थ्री, थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, वन अपॉन में फोर, वन अपॉन फोर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सेवंथ पार्ट, अब सेवंथ पार्ट में हमने फ्रैक्शन लिखनी है, अब देखो फ्रैक्शन लिखनी है, शेडेड ये पेंसिल दे रखी है, तो इसमें देखो शेडेड सारी शेडेड है पेंसिल, तो टोटल काउंट करो कितने हैं शेडेड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो शेडेड पेंसिल कितनी है, टेन, और अपॉन में टोटल, तो टोटल भी कितनी है, टेन, तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, वन, वन हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। एट पार्ट, एट पार्ट में शेडेड पोर्शन काउंट करो, देखो इसकी जब हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो शेडेड पार्ट कितने हो गए, वन टू थ्री फोर, तो कितने हो जाएंगे, फोर, टोटल कितने हो, फोर तो ही हो गए, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो कितने हो जाएंगे, अपॉन में नाइन, तो फोर बाई नाइन हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि फोर से नाइन कट नहीं हो सकता। नाइन्थ पार्ट, अब नाइन्थ पार्ट में हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे इसकी फ्रैक्शन, अब देखो शेडेड पार्ट देखो, वन टू थ्री फोर, शेडेड पार्ट कितने हो गए, फोर, और टोटल कितने हो, फोर तो ये हो गए, फाइव सिक्स सेवन एट, तो फोर अपॉन में एट, कट और कट करेंगे, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, वन अपॉन में टू। लेट अस टेक टेंथ पार्ट, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो इसमें हम फ्रैक्शन लिखेंगे, अब इसमें जो ये जो फिगर हमारे पास बना हुआ है, इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो हाफ पार्ट है, जो हमारा हाफ पार्ट है ये क्या है, शेड है, और आधा क्या है, अनशेड, तो इसमें कितना हो जाएगा टोटल, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, हाफ पार्ट शेड है तो इसको क्या लिख देंगे, वन अपॉन में टू, कितना लिख देंगे इसको, वन अपॉन में टू, क्योंकि वन पार्ट शेडेड है, टोटल कितने हो गए, टू, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी वन बाई टू। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में जो शेडेड पार्ट था और अपॉन में कितने पार्ट्स लिखे हमने, जो टोटल पार्ट्स थे, क्योंकि फ्रैक्शन के लिए भाई कितने शेडेड, शेडेड पार्ट के लिए अपॉन में क्या आएगा, टोटल आएगा। तो इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट।